और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब सर्जरी की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस जिला स्तर पर बड़े बदलाव करने जा रही है। ग्वालियर चंबल की बात करें तो यहां 4 से 5 साल से जिलाध्यक्ष पदों पर काबिज है। ऐसे में उनको बदलने की मांग पुराने नेताओं ने शुरू कर दी है। उनका कहना है कि जब प्रदेश अध्यक्ष युवा है तो जिला अध्यक्ष भी ऊर्जावान और युवा होने चाहिए। आपको बता रहे कि पहली बार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मध्य प्रदेश की कमान युवा हाथों में सौंपी है। प्रदेश नेतृत्व में हुए इस परिवर्तन पर कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े लोगों का मानना है कि यह फैसला काफी समय पहले होना चाहिए था, तो ये बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस अब कुछ भी कर ले, लेकिन उसका पतन जारी रहेगा। नतीजे एकदम उल्टे आए, इससे ये लगता है कि चुनाव के जो चुनाव हुआ है वो फेयर चुनाव नहीं हुआ है। उम्मीद तो ये की जाती है कि जब परिवर्तन होगा तो निश्चित तौर पर नए लोग आएंगे, लेकिन पुरानों को अलग नहीं किया जाएगा, उनका भी लाभ लिया जाएगा। देखो, कांग्रेस जो सर्जरी कर रही है उसके परिणाम बिल्कुल एकदम सतह पर दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस के राजकुमार ने यात्रा की भारत जोड़ो, और जिन जिन राज्यों से यात्रा गई वहाँ कांग्रेस के परखच्चे उड़ गए। असली गांधी की नकल करने के लिए नकली गांधियों को बहुत त्याग करना पड़ेगा। कांग्रेस को बचाना है तो जिस ईमानदारी से जिस गांधी का आप नाम लेते हो वैसा नहीं बनोगे तो कोई परिणाम आने वाले नहीं है।